अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। चैप्टर हमारा जो है वो 15 है और न्यू फिज़िक्स बुक क्लास 12। देखो भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमें क्या बताती है, वो प्रॉपर्टीज़ बताती है जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। ज़रा इस बात को समझो और फील लो कॉन्सेप्ट का। देखो भाई, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सारे लॉस हमें क्या बता रहे थे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो कि हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम चीज़ें आंखों से होते हुए देख सकते हैं। लेकिन एटम कैसे मूव कर रहा है, एटम का एक दूसरे एटम से क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। बल्कि एटम को आज तक देखा ही नहीं गया है और ना देखा जा सकेगा, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है। क्या पता आगे आने वाले टाइम में कोई रिसर्च हो जाए जिससे हम एटम भी देख सकें, लेकिन इस वक्त तक हम एटम को नहीं देख सकते। लेकिन हम एटम के बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो ये जो स्टडी होती है ये आपकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाती है। सही है, याद रहेगी बात, माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है वो आपके पास क्या होता है कि हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, एटम का क्या आपस में रिलेशन है, इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये वाली जो थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये जो है वो एटॉमिक लेवल पर जाकर हम क्या बिहेवियर है गैस का इसको बताएंगे, यानी हम गैस की प्रॉपर्टीज़ बताएंगे एटॉमिक लेवल पर जाकर। आप देखोगे बहुत बार वर्ड एटम यूज़ हो रहा होगा, मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहा होगा, तो इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी वो मैक्रोस्कोपिक पे थी, यानी आप उसे आँख से देख सकते थे, मगर अब जो आप गैस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो माइक्रोस्कोपिक पर है और बड़ी ही मज़ेदार है। चलो सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा हम इधर पढ़ लेते हैं, फिर उन पोस्टुलेट्स को या उन प्रॉपर्टीज़ को देख लेंगे। प्रॉपर्टीज़ याद रखना, खसूसियत को कहते हैं, यहाँ पे लिख लो खसूसियत। खसूसियत का मतलब क्या होता है कि किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर है, ये सब खसूसियत में चला जाता है। सही है, चलो अब आगे चलते हैं। वी हैव डिस्कस्ड, यानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ नहीं देखा तो जस्ट चार्ल्स लॉ लिखो, एमी इंग्लिश सेंटर, आपको चार्ल्स लॉ मिल जाएगा, इसी तरह बाकी भी मिल जाएंगे। अच्छा, उसमें हमने क्या देखा, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम वॉल्यूम को बड़ा या कम होते हुए आंखों से देख सकते हैं। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी सब्सटेंस। नाउ वी डिस्कस द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ यानी एटॉमिक लेवल पे जाके स्टडी करेंगे। अच्छा, इसे हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, KMT, ठीक है, ये भी आप बहुत बार इसे लिखा हुआ देखोगे। पहले इस तरह से सवाल आ जाता था, डिस्क्राइब द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस या KMT ऑफ गैस, लेकिन अब तो नहीं आएगा शायद। अच्छा, अब देखो इधर, बेसिक पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। सबसे पहला पोस्टुलेट सुन लो भाई, देखो, अ गैस कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल मॉलिक्यूल्स। देखो भाई, गैस के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर एक मीटर क्यूब की बात भी करूँ ना मैं, तो उधर जो है एक मीटर क्यूब में कितने होते हैं आपके पास, 3×10^25 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। एक मीटर क्यूब बहुत छोटा वॉल्यूम है, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है लेकिन बहुत छोटा वॉल्यूम है। लेकिन इसमें कितने पार्टिकल्स मौजूद है, 3×10^25, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं यहाँ पर। अच्छा, अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये वही बात दोबारा लिख दी है एक तरह से कि भाई, बहुत छोटी जगह में भी बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, बेसिकली आप उसे उंगलियों से काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको काउंट करने के लिए हमें फार्मूले और दूसरी टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, एक मीटर क्यूब में आपके पास चाहे कोई भी गैस हो, और यहाँ पर हम ज़्यादातर आइडियल गैस को स्टडी कर रहे हैं। आइडियल, रियल गैस अलग होती है, आइडियल गैस हमारे पास अलग होती है, आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, ये याद रखना। 1 meter cube वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन 3×10^25 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब आपसे कोई पूछ ले भाई, ये 1 meter cube है, इस 1 meter cube में कितने गैस के पार्टिकल्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपके सामने क्यूब ले आया, इसका वॉल्यूम 1 meter cube है, और मैं आपसे पूछ लूँ इसमें कितने गैस के पार्टिकल्स हैं,
तो आप वो नुक्ते जो मैं बना रहा हूँ वो नुक्ते नहीं गिनोगे, बल्कि आप बोल दोगे इसके अंदर 3×10^25 पार्टिकल्स हैं, इतने ज़्यादा। अच्छा, दे आर मूव इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब यहाँ पर देख लो, किसी भी क्यूब के अंदर या सिलेंडर के अंदर अगर आपके पास मौजूद है गैस, तो वो गैस का जो पार्टिकल है ना उसकी मोशन किस तरह की होगी? ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है लेकिन स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब ऐसे नहीं हो रहा होगा, आपके पास ऐसे मोशन नहीं हो रहा होगा कि ये यू मोशन कर रहे हैं या ये कर्व बना रहे हैं या यू कर्व बना रहे हैं, नहीं। मोशन जहाँ भी होगी स्ट्रेट लाइन में होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे, स्ट्रेट लाइन में, किसी भी डायरेक्शन में मगर स्ट्रेट लाइन में। इस चीज़ को याद रखना, सही है? तो ये बात यही लिखी हुई है, दे आर मूव इन स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन। डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, मगर स्ट्रेट लाइन। दे मूव इन ऑल डायरेक्शन, ये मैंने नीचे लिख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में, सही। चलो, कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक। इनइलास्टिक नहीं होगा, इलास्टिक होगा, ठीक है। अब इलास्टिक का क्या मतलब होता है? देखो, ये एक मॉलिक्यूल था, ये गैस का दूसरा मॉलिक्यूल था, ये दोनों आपस में टकराए। अब इन दोनों के आपस में टकराने से जो कोलिजन है इलास्टिक है, यानी इनकी जो है वो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं आएगा। टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, टकराने के बाद भी वही काइनेटिक एनर्जी रहेगी। फॉर एग्जांपल, टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी आपके पास आई 5 जूल, टकराने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी आएगी 5 जूल। मोमेंटम जो है वो आपके पास आया, मोमेंटम आपके पास आया 5 न्यूटन सेकेंड, टकराने के बाद भी आपके पास आएगा 5 न्यूटन सेकेंड। तो ये होता है इलास्टिक कोलिजन, सही है? चलो, और अगर वॉल से टकरा रहे हैं तो भी इलास्टिक कोलिजन ही होगा। आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ मैं, फिर याद रखना। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अच्छा देखो भाई, रियल गैस में तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है, मगर आइडियल गैस ले रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मैं मोबाइल को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, और आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ रखा है न्यूटन का, उससे ये बात साबित है कि मोबाइल मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मैं मोबाइल को अपनी तरफ खींच रहा हूँ। चलो, इसको मैं ज़रा ना करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अपने हाथ को यूँ रखो और यूँ उंगलियों को खोलो आपस में, ठीक है, यूँ खोलो, आप देखोगे कि उंगलियाँ आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं, खुद ही मिल रही हैं, मैं नहीं रोक पा रहा लेकिन फिर भी मिल रही हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हो रहा है। आप देखोगे, आप रोकने की कोशिश करोगे फिर भी ऐसा हो रहा है, लेकिन यही वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर नहीं होगी अगर गैस आइडियल है। मैं फिर बार बार आइडियल और रियल का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उससे बात क्लियर होगी। रियल गैस में तो होगी मगर आइडियल में नहीं होगी। तो ये वाला मॉलिक्यूल एक दूसरे को नहीं अट्रैक्ट करेंगे आपस में, फ्रीली मूव करने देंगे। सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, मगर गैस में नहीं होती। चलो, ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ और भी यहाँ लिख लो कि भाई, जब मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, when molecules collide with the walls exert pressure. चलो, प्रेशर, देखो, जब मॉलिक्यूल्स इस वॉल से टकराता है तो प्रेशर एग्जर्ट करता है, यानी प्रेशर लगता है, और प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, P=F/A। अच्छा, अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, उसमें हम प्रेशर को ही स्टडी करेंगे और उसी से रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यकीन मानो आंख बंद करके वो टॉपिक आता है। हर साल तो नहीं आता, मगर अल्टरनेटिव में आता है। कैसे? जैसे कि अगर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये प्रेशर वाला टॉपिक अगर नहीं आया है, ये जो डेरिवेशन है नहीं आई है,
तो 2025 में 100% आएगी, 100%। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगला टॉपिक हमारा वही है, वो डेरिवेशन मैं आपको कल कराऊंगा, आज नहीं करा रहा। तो ये पॉइंट याद रखना, देखो एटम की बात हो रही थी, एटम कहाँ टकरा रहे हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आई ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल गया ना, तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में फ़र्क रखना। चलो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।